नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। शुक्रवार की सुबह भारतीय सेना के लिए बहुत ही अच्छी रही है। जी हां, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुबह सुबह हुए एक आतंकी मुठभेड़ में सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आपको बता दूं, ये जो ऑपरेशन चलाया गया आतंकवादियों के खिलाफ, ये जुमागुंड एरिया में चलाया गया, जहां पर एक इंटेल इनपुट मिली थी आतंकवादियों की मौजूदगी की, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों और सेना के जवानों ने पूरे इलाके की पहले घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही जो सेना और सुरक्षा बलों के जवान थे वो उस एरिया में जो पहुंचते हैं जहां पर आतंकवादी, संदिग्ध आतंकवादी छुपे हुए थे, जैसे ही वो उस इलाके में दाखिल होते हैं, आतंकवादी खुद को घिरता हुआ देखते हैं और वो सेना के जवानों के, सुरक्षा बलों के जवानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देते हैं। इसी बीच जवाबी फायरिंग में हमारे सेना के जवान जो हैं वो कार्रवाई करते हैं और इसी मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे जाते हैं। आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी सफलता है भारतीय सेना के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार आतंकवादी एक के बाद एक आतंकी साजिशें रच रहे हैं और इस तरीके की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमारे मुस्तैद सुरक्षा बलों के जवान ऐसी सभी कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो आतंकवादी हैं वो इस बहुत भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और पाकिस्तानी करेंसी अपने साथ में लाए थे, जिसके आधार पर ये बताया जा रहा है, जो अधिकारी हैं सेना और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि आतंकवादी पाकिस्तान वित्त पोषित थे, यानी कि पाकिस्तान इन्हें समर्थन कर रहा था। ये पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी थे जो भारत में, कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए घुसपैठ कर रहे थे, जिन्हें अब भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने नाकाम कर दिया है। आपको बता दूं, ये कोई पहली घटना नहीं है ऐसी। इससे पहले भी मंगलवार को कुपवाड़ा के ही मानछिल सेक्टर में 2 आतंकवादियों मारे गए थे जो कि LOC में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले आपको बता दूं कि गुरुवार को भी एक भारी खेप जो है, जखीरा जो है, हथियारों का बरामद किया गया था आतंकवादियों के पास, आतंकवादियों के हाइडआउट से, आतंकवादियों के अड्डे से। बहुत बड़ा भारतीय सेना ने जो हथियारों का जखीरा था वो कहीं ना कहीं बरामद किया था। और अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो ये 5 आतंकवादी भारत में दाखिल हुए थे, ये हथियार जो है उन्हीं के लिए छुपा के रखे गए थे जंगलों में और ऐसी जगहों पर जहां आतंकवादियों को इन्हें आसानी से उठाने में, लेने में आसानी हो सके और आतंकवाद फैलाने में आसानी हो सके। लेकिन जो भारतीय सेना के जवान हैं, जो सुरक्षा बल के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, उनकी मुस्तैदी से एक और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया है, ऐसा कहा जा सकता है। कि ये 5 आतंकवादी किस मकसद से भारत में घुसे थे ये तो हम सबको पता है कि इनका मकसद कहीं ना कहीं जो है आतंकवाद फैलाना था, लोगों को, मासूम लोगों को मारना था, उन्हें टारगेट करना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछले कुछ जो हमले हुए उनमें ये देखा है कि इन आतंकवादियों का सबसे पहला टारगेट जो होता है वो हमारे सेना और सुरक्षा बल के जवान होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सफलता है ये बहुत बड़ी है भारतीय सेना के लिए भी। आपको बता दूं कि इस तरीके की लगातार घटनाएं इसलिए भी कही जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो लगातार बौखलाया हुआ है, भारत को बढ़ता हुआ देख करके उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे जो देश उसके साथ में आजाद हुआ आज वो दुनिया के सबसे चार जो सबसे शक्तिशाली देश है उसमें शामिल हो गया और पाकिस्तान आज कंगाली, बदहाली, भुखमरी की चपेट में पूरी तरीके से ग्रस्त है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान भले ही ये चीज स्वीकार ना करे, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत में जो आतंकवादियों को भेजता है तो वो कहीं ना कहीं इस बार फिर से एक और बार भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया है। और इसी तरीके से हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार आतंक पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक नकेल कस भी दी गई है। आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी खबर थी। आपको इस खबर पर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।